सोमदेवसूरी नीति भाग के अमर ग्रंथ में मंत्री समुद्देश मिल रहे हैं। ग्रंथ आपने लिखा है, यदि ग्रंथ महत्वपूर्ण है, उसके प्रमेय श्रेष्ठ हैं, तो ग्रंथ कोई भी लिखे वो पूरे विश्व में चला जाता है। जब भी नीति की व्याख्या होती है देश में, तो फिर सोमदेव सूरी का नाम भी लिया जाने लगा। पहले लोगों ने छुपा के रखा ढक करके, अब तो भी रामदेव का कोई शिष्य, उन्होंने छोटी सी पुस्तक निकाली नीति की, उसमें सर्वाधिक सूत्र निकाल के दिए नीति भाग्य मृत के। पर अच्छा ही किया सोमदेव नाम रखा, भले जैन नाम नहीं लिखा पर सोमदेव अच्छा लिखा। पूरे सूत्र के अपने पढ़ा हुआ था, हमने देखो पूरा निकाल के रखा। तो इसलिए अध्ययन पहले गहरा होना चाहिए, फिर लेखन होना चाहिए। अध्ययन नहीं, तुम लिखने बैठ गए तो बाद में अध्ययन के बाद अपने लेखन को आप ही झूठ बोलोगे। इसलिए लेखन करने की रुचि रखो, परंतु पहले गंभीर चारों का अध्ययन करो। यदि आपको गहरा ज्ञान नहीं है तो तुम जो भी लिखोगे उथला उथला रहेगा। अध्ययन के बाद लिखो, और लिखने के बाद ऐसा भाव कभी रखना मत कि तुरंत तुम्हारी पुस्तक बन जाए, अन्यथा पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। जो पुस्तक छपाने में लग गए ना, वो गहरे हृदय के नहीं है, उनकी पढ़ाइयाँ समाप्त हो रही हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे वही विकल्प रहता है, एक करना एक करना एक करना एक करना एक करना, तो दूसरा दिन का समाप्त हो गया। ये बड़ा बुद्धि का नियंत्रण है कि तुम संघ के बाहर गए तब भी अध्ययन में लग तल्लीन रहो, अन्यथा बाहर के कामों में लग गया तो 24 घंटे समय उसी में गया, पढ़ाई कब करोगे? अध्ययन, ठीक है। अभी आपके समय बहुत मिलेगा, समय उन्हें मिलता है जो ज्ञानी बनना चाहते, उन्हें कोई समय नहीं मिलता जो इनकी रुचि अध्ययन में नहीं है। अध्ययन और पर से निरपेक्ष जीवन, इतना महत्वपूर्ण आप काम करो। लोग सोते आए ये काम हमको करना है, वो अभी तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ साधक ऐसे, उनको बेटा मात पुस्तक के पीछे संघ से बाहर गए, कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये लिखते रहो और रखते रहो, बाद में पुनः देखेंगे। वो अभी सोच लिया है तो फिर खड़े मिलोगे गेट पे, पहले छपाओगे फिर बांटते मिलोगे, और पढ़ाई मढ़ाई तुम्हें समाप्त। अभी भरने का समय, भर लो जितना भर सकते। तो सोमदेव सूर्य ने जितना गहरा अध्ययन किया, ठीक है, बड़े गुण रहस्य, और एक ने किया सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, ठीक है। लिखो लेकिन पहले पढ़ाई करो, इसके बाद लिखना, लिखना जरूर गंभीर। वो धारावाहिक होता है महाकाव्य। न तैसा मंत्रम कुरियात ऐसा पक्षी से मपर को कुरियात, कितनी गहरी नीति सोमदेव सूरी बैठे थे लिखने, एक एक वस्तु का चिंतन किया, पूरा मस्तिष्क में पहले उसको संग्रह किया जाता है विषय को। अब मंत्रण कर रहे हैं आप, तो उसमें दो तीन बातें ध्यान रखना पड़ेंगी कि हम जिनके साथ मंत्रण कर रहे हैं वो गहरा जीव है कि उथला जीव है, हमारी बातों को सुनता है
कि मत हवा में मजाक के लिए बैठा करके कि जो कुछ भी कहेंगे हमें तो कट करना बस, अथवा हम तो मंत्री बन गए, सभा के सदस्य बन गए, हमें तो कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब अपना धन कमाना और अपना जीवन निकालना एक लक्ष्य, और एक लक्ष्य है हमें देश की सेवा करना है। धन गौण है, हमारे राष्ट्र की भक्ति होना चाहिए, समर्पण। जिसको राष्ट्र भक्ति नहीं, समर्पण नहीं है, वो मात्र जीता है किसी बात को। दूसरी बात, राष्ट्र हित में है, तुम्हारे हित में नहीं है। कोई ऐसे भी काम होते आपका व्यक्तिगत हित नहीं हो रहा उसमें, पर राष्ट्र का हित हो रहा है, तो राष्ट्र का हित देखा है कि तुम्हारा हित देखा जाएगा? वहाँ राष्ट्र का हित देख जाएगा, आप पर भी ध्यान रखा जाएगा। अब माना कि किसी व्यक्ति ने, उसने अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने राष्ट्र के, देश के विरुद्ध कार्य किया हो, समाज के नीति के विरुद्ध कार्य किया हो, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा दंड दिया गया राज्य की तरफ से। और ऐसे परिवार का आदमी सभा में बैठा हुआ है, उसके सामने मंत्रणा न की जाए। बोले क्यों? उसके अंदर बदले के भाव हैं। अभी आपका साम्राज्य है, उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बदले के भाव बड़े गहरे हैं उसके अंदर। बोले कैसे? कि बहुत सारे ऐसे, आपको मालूम, देश में बिना नाम के सुनना, कोई सेना का सैनिक, कोई देश का खिलाड़ी, उसको देश के हित प्रशंसा ही कोई विकल्प नहीं है, उसे पैसे से प्रयोजन है। सामने वाले से पैसे ले लिए, ढंग से खेला ही नहीं, उसको जितवा दिया, वो पैसे ले लिए उसने करोड़ों, पर उसको मात्र पैसा प्रधान था, देश की और स्वयं की हुनर की चिंता नहीं थी। ऐसे लेखक हुए सुब्रत सागर, जिन्होंने गंभीर लिखा है पर बेच दिया, लिखा आपने और उसको बेच दिया, दूसरे ग्राम से छप रहा है। हुआ है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हुए जिनने एक कागज पर एक कलम नहीं चलाई, और 200-200 ग्रंथ उनके नाम से छपे रखे हैं। बोलो भैया, सीधा बोल दिया, तुम संग्रह कर दो, अच्छा तुम कर दो, ऐसा करके, और लिखवा लिया दूसरों से, बस ये पकड़ो पैसे, ग्रंथ हमारे नाम से हुआ, पूरे देश के रिकॉर्ड है मेरे पास, किन किन ने ऐसा ऐसा काम कराया। जो करते ना वही विद्वान बोल के चले जाते, बोले बोले महाराज जी, हमको तो पैसे से मतलब है, लिखवा लो हमसे, पैसा दो, छपा अपने नाम से। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, उसे तुम्हारे असत्य साधु करवा रहा, उसका असत्य है और उसकी हुनर बेची जा रही है। एक मालथोन के विद्वान हुए बहुत बड़े, उन्होंने बहुत सारा काम किया, पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने, जैनियों भी कई संप्रदाय है ना, उन्होंने उनको खरीद लिया, उनकी पूरी कृतियाँ अपने नाम से छापी। अभी क्या हो रहा है, कई लोग समझ रहे कि अमुक महात्मा जी ने, एक विद्वान ने लिखा, कोई विद्वान 50 वर्ष पहले लिख गया, 100 वर्ष पहले लिख गया, अब वो तो है नहीं यहाँ पर। आज क्या हो रहा है, उन्हीं की ग्रंथों उठा करके छाप रहे, अपना नाम डाल दिया, ये चल रहा है, महात्मा तक उन्होंने नाम डाल दिया, अभी पूरी ग्रंथ विद्वान दूसरे विद्वान का, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मात इधर से उधर पन्ना जोड़ दिए, दो तीन अपने नाम से छाप दिया है, बोले अनुवादक बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, साहित्य की चोरी है, ऐसा कभी नहीं करना। तो अब व्यक्ति तुम्हारा बेटा था शत्रु, न तैसा मंत्रम कुरियात, उसके साथ मंत्र न करें, ईसाम पक्षेसु अपकुरियात, जिस पक्ष का कभी आपने अपकार किया हो। कितने राजनीतिक दल शांत रहते हैं, जब तुम चोटी में पहुंचते हो तब तुमको खिसका देते हैं। अब जिसके साथ दंड दिया गया,
और उसको तो बोले भाई ये हमारा शत्रु है, इसने मेरे परिवार के लिए दंड दिया है। उसने अंदर का रहस्य पकड़ा और दूसरे को बोल दिया, दूसरे देश को बोल दिया, अथवा विपक्ष को बोल दिया, पूरा रहस्य खुल गया, राजा का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें जो बहुत भावुक हैं लोग, उनके सामने कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी अपने आप बताना चाहते हैं, मैं तो बहुत सत्य बोलने वाला आदमी हूँ, उनके सामने भी कोई मंत्र न की जाए, क्योंकि ये इनके पास पहचानने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि देश जो है ये राजनीति शास्त्र है, इसमें आपको कुछ सत्य को छुपा के रखना पड़ेगा देश की रक्षा के लिए। अरे भाई यहाँ पर कोई अस्त्र छिपा के रखा शासन ने और तुमको मालूम चल गया, पूछा भाई यहाँ पर है कोई विदेशी आ गया, बोले भाई हम तो सत्य बोलते हैं, तुमने बता ही रखा है यहाँ पर, वही निकालेगा तुम्हारे देश का घात कर देगा। इसलिए आचार्य समन्वय स्वामी ने कहा है उसका ध्यान रखना चाहिए हर समय, सत्यमपि विपदे, जिससे देश में विपत्ति में पड़ जाए, राष्ट्र में विपत्ति में पड़ जाए, समाज और हम स्वयं विपत्ति में पड़ जाए, दूसरे विपत्ति में पड़ जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। धर्म का बहुत सारा नाश किया। मैं बार बार कहता हूं उन लोगों ने जो तुरंत संघ में भर्ती हुए, किसी भी संघ में भर्ती हुए और लोक व्यवहार को जानते नहीं, नीति नीति का ज्ञान नहीं, सम्यक के आठ अंगों पर भान नहीं, सम्यक दर्शन के आठ अंगों का ज्ञान नहीं, इधर उधर भटकता रहा जीव और सब रहस्य इधर का उधर कर दिया। सुब्रत सागर एक साधु पकड़ा गया तो एक महिला को लोभ दे दिया गया हरियाणा में, और फिर उसके आश्रम पर शासन ने छापा मारा। तीन चार दिन तक हजारों पुलिस लगी रही, दोनों तरफ से गोली चलती रही, फिर पकड़ाए गए। जिस महिला ने रहस्य खोला, बाद में वो महिला मालूम दीवार से सिर पटक रही, रो रही फूट फूट के, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, सब सब तहस नहस हो गया। तो ये क्या ना, आदमी पहले भूल कर बैठता फिर बाद में पटकता सिर, सिर पटकता है। सिर्फ बहुत सारी बातें सम्यक दर्शन के आठ अंगों को समझना चाहिए सबसे पहले, और समझ करके आपके यहाँ प्रायश्चित है, प्रतिकोण है, आलोचना है, गुरु क्यों बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं। तुमसे कोई की भूल दिख गई, अरे तुम रो के फूट फूट रोना शुरू कर दिया और ऐसे रोए हमसे सैन्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लो तुमने ऐसा पागलपन किया, पूरे धर्म को तहस नहस कर दिया। ठीक, भूल उससे हुई है, आप उसे गुरु के पास जाओ, समझाओ, वे उसका औषधि करें कि भाई तुम्हें क्या करना है। ठीक है, ये तो संभव है। और अपन एकदम भभक गए ना, तो जिसने अब दोष किया है ना, उसने धर्म की अपरवाह नहीं की, उसने तो छुप के किया था, पर जिसने हल्ला किया है उसने अपरवाह ना कराई है, वो तो जाकर के कई बुद्धि ठीक हो गई, बड़े बड़े लोगों ने प्रायश्चित करके और निर्वाण को प्राप्त हो गए। तुम जा रहे थे रास्ते में, कोई जीप पर पैर पड़ गया, हत्या हुई कि नहीं हुई, कोई कह सकता कि साधु हत्या, साधु से हत्या हो सकती है, अब शब्द हत्या कर दिया, लेकिन हुई कि नहीं, हुई है, तो अपने गुरु के पास जाओगे, प्रायश्चित लेके शुद्ध हो जाओगे, आगे इरिया पद का पालन करके चलना, न कि भाई एक जीव की बिरादरी हो गई, अब तुमने डोडोरा पीट दिया, वो तो हत्यारा 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 हत्यारा, मालूम चलो कोई साधु ही नहीं मिलेंगे। मरुदुआ जीव दुआ अजा चरण चिता हिंसा,
चाहे जीव मरे चाहे ना मरे, आयतने पूर्वक चल रहे हो नियम से हिंसा का बंध लगेगा। 35 में 3 हिंसा में समझ से जो प्रयत्न पूर्वक चल रहे हैं बद होने पर ही बंधक नहीं है, क्योंकि सम्मति का पालन कर रहे हैं। इसलिए ये नीति वाक्य अमृत आप लोग इसे मूलाचार से कम ना समझें। वो चर्या सिखा रहे, बुद्धि सिखा रहे हैं कि आपको कैसे जीवन जीना है, और यदि इसका नहीं संभाल पाए ना अपने आप को तो तुम धर्म का पालन नहीं कर सकते। कल भाई तुम संग संभालोगे, आप लोग आचार बने संग संभाला तो ये नीति तुम्हें नहीं आती, तुम स्वयं रोने लग गए। गुरु को तो इतना गहरा होना पड़ेगा, सबके दोस्त में पी के रखना पड़ेंगे, तभी तो शिष्य अपने दोस्त बताएगा। अब जो कुछ ऐसी बात है तुम सबके सामने तुम अपराध कर रहे हो तो वो उनकी बात सबके सामने बताना पड़ेगी, नहीं तो कल को दूसरा शिष्य कहेगा कि इतना उपद्रव मचाते हैं, इनसे कुछ कहा ही नहीं जाता। तो उनको सबके सामने ही कहा जाएगा कि महात्मा सत्यासागर जी देखो सामने सामने सहसागर क्या कर रहे हैं। इसलिए समझ में आ गया, इसलिए विरोधी के सामने मंत्रणा नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अमृतचार सोमदेव सूरी नीति भाग अमर ग्रंथ में मंत्री शुभोद्देश में लिख रहे हैं। ग्रंथ आपने लिखा है, यदि ग्रंथ महत्वपूर्ण है, उसके प्रमेय श्रेष्ठ हैं, तो ग्रंथ कोई भी लिखे वो पूरे विश्व में चला जाता है। जब भी नीति की व्याख्या होती है देश में तो फिर सोमदेव सूरी का नाम भी लिया जाने लगा। पहले लोगों ने छुपा के रखा ढक करके, अब तो भी रामदेव का कोई शिष्य उन्होंने छोटी सी पुस्तक निकाली नीति की, उसमें सर्वाधिक सूत्र निकाल के दिए नीति भाग्य अमृत के। पर अच्छा ही किया सोमदेव नाम रखा, भले जैन नाम नहीं लिखा पर सोमदेव आचार्य लिखा। पूरे सूत्र के अपने पढ़ा हुआ था हमने, देखो पूरा निकाल के रखा। तो इसलिए अध्ययन पहले गहरा होना चाहिए फिर लेखन होना चाहिए। अध्ययन नहीं तुम लिखने बैठ गए तो बाद में अध्ययन के बाद अपने लेखन को आप ही झूठ बोलोगे। इसलिए लेखन करने की रुचि रखो, परंतु पहले गंभीर चारों का अध्ययन करो। यदि आपको गहरा ज्ञान नहीं है तो तुम जो भी लिखोगे उथला उथला रहेगा। अध्ययन के बाद लिखो, और लिखने के बाद ऐसा भाव कभी रखना मत कि तुरंत तुम्हारी पुस्तक बन जाए, अन्यथा पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। जो पुस्तक छपाने में लग गए ना वो गहरे हृदय के नहीं है, उनकी पढ़ाइयाँ समाप्त हो रही हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे वही विकल्प रहता है, एक करना एक करना एक करना एक करना एक करना, तो दूसरा दिन का समाप्त हो गया। ये बड़ा बुद्धि का नियंत्रण है कि तुम संघ के बाहर गए तब भी अध्ययन में लग तल्लीन रहो, अन्यथा बाहर के